हम भूल गए सब कुछ मगर प्यार तेरा नहीं भूले। जिए शान से संघर्ष से जीवन महकाया, नवयुग का निर्माण किया, कर निरंतर सेवा मानवता की, ऊंचा भारत माँ का था भाल किया। दुश्चिंतन से आज घिरा हुआ है हमारा सकल राजनैतिक समाज, राजनैतिक सूझबूझ की मिसाल रूप में याद करते तुम्हें हैं आज। अंधकार से लड़ने को तैयार, हमारे साथ तुम्हारा मान रहेगा, घोर पाप धरा से मिटाने को युगों युगों तक तेरा नाम रहेगा। हमें फिर इस धर्म धरा पर राजनीति की महागंगा बहानी होगी, समाज को महामानव सेवक बिश्नोई रतन की कथा सुनानी होगी। खैराज के पुत्र भजन लाल से हमने नव राजनीति सबक पाया है, कर्म दर्शन से राजनीतिक पितामह ने जन जन आन जगाया है। धन्य हुई जिसके उपकर्म से हमारी प्यारी भारत माता है, उनकी मानवता की महागाथा देश का हर प्राणी गाता है। बिश्नोई रत्न भजन लाल सेवा हित तेरा जम्बू द्वीप आना हुआ, राजनीति के गुण और गुरका भारत खंड में सिखाना हुआ। अक्टूबर 1930 में हुआ धर्म धरा का अवतरण उनका, कोड़ावली भवलपुर में रहता था माता पिता और परिवार उनका, नागौर के मंझवास गांव से निकास इनका। कुंभा राम मांझू जाट थे, पुत्र थे उनके भक्त रेड़ा राम, सुशील हृदय उनके घर में सब ठाट थे। रेड़ा राम माझू समरा था धुरे पर, सदा आते थे जब गुरु के पास। बिश्नोई पंथ परिवर्तन किया, प्रथम पंक्ति में आए बन के उनके दास। छोड़ा छोड़ा गांव मांझवास नागौर का, आकर हिमटसार गांव में रहने लगे। जो जो फरमाते थे श्री गुरु जाम्बू जी, रेड़ा राम माझू वो सब करने लगे। सात पुत्र रेड़ा राम माझू के, उनके एक भला राम नाम कहते थे। वो भक्त पिता समान नियम मानते, पूरे प्रात काल वो नहाते थे। भला राम छोड़ा हिमटसार, फलोदी जोधपुर के मुजासर वास किया। 1808 में मुजासर छोड़ लखा राम ने बालन वाली का आवास किया। लखा राम घर भूरा राम जन्मे, भूरा राम के पुत्र श्यो राम हुए। श्यो राम भक्त पुत्र तीन, चेखा राम बगड़ावत और खैराज हुए। खैराज कुंदन के उपकर्म से एक कन्या दो लाल हुए, मन फूल सिंह भागा देवी बिश्नोई रत्न भजन लाल हुए। बिश्नोई रत्न भजन लाल हुए, देसी घी कर्मठता और ईमानदारी से भजन लाल मशहूर हुए। साथी बनकर आड़ती बने, नहीं पोकर मल भजन लाल दूर हुए। घर गांव लालवास के संपन्न किसान बुजलाल जाने की सुपुत्री लक्ष्मी श्रीमती जसमा देवी जी माझू परिवार की सुशील वधू थी बनी। भजन लाल की दृढ़ निश्चय और बहुत ही पक्का इरादा था, उनकी मानवता और विचार ऊंचे पर जीवन उनका सादा था। बिश्नोई रतन ने 1949 में आदमपुर में शुरू निज व्यापार किया, राजनीति में भी था सपना अपना, तन मन धन से साकार किया। सन 1960 में पंचायत मेंबर बने, वे फिर पद चेयरमैन का पा गए। ईमानदारी कर्मठता जनता से प्यार राजनीतिक धरातल पे छा गए। 9 बार बने विधायक आदमपुर से, 3 बार हरियाणा में मंत्री बने, 3 बार बने लोकसभा सांसद और 2 बार वे केंद्रीय मंत्री बने। 1 बार बने राज्यसभा के सांसद, मिला मंत्रालय पर्यावरण का, भागीरथ प्रयास किए हरदम, किया सुधार धरती के आवरण का। पर्यावरण से आगे भजन लाल को बनाया कृषि मंत्री था भारत का। श्री गुरु जाम्बू जी की कृपा से सदा सुनते थे दुखड़ा हर आर्ता का। 50 साल की राजनीति 1979 में बने मुख्यमंत्री हरियाणा के, भक्त पिता समान हलके के, 3 बार बने मुख्यमंत्री हरियाणा के। 50 साल की राजनीति में
50 साल की राजनीति में नए आयाम वे देश में बना गए। मेहनत से बनता है सब कुछ, ये बिश्नोई रत्न हमें समझा गए। मेहनत से बनता है सब कुछ, ये बिश्नोई रत्न हमें समझा गए। 80 साल 7 महीने 27 दिन अपना जीवन चमकाया था, हर चेहरा खुश होता बात करके उसने मानव मार्ग दिखलाया था। उसने मानव मार्ग दिखलाया था। खैराज कुंदना रतन पुत्र को लेने 3 जून 11 को आया काल, 5 बजे हुआ आदमपुर लवारिश। विष्णु चरण गए विष्णु रतन भजन लाल, विष्णु चरण गए विष्णु रतन भजन लाल। कर्मठता और ईमानदारी से भजन लाल ने फैलाया यशनो खंडों में, कर्मठता और ईमानदारी से भजन लाल ने फैलाया यशनो खंडों से। सप्तद्वीप रोशन हुए भजन लाल से, राजनीति को तोला अपने भुजदंडों से। हर कोई भूल गया सब कुछ पर संसार का मोह माया को नहीं भूले, हर कोई भूल गया सब कुछ पर संसार की मोह माया को नहीं भूले। पृथ्वी सिंह हम भूल गए सब कुछ भजन, हम भूल गए सब कुछ भजन लाल, मगर प्यार तेरा नहीं भूले, मगर प्यार तेरा नहीं। आपको कोटि कोटि